अगल बगल के लोग और लगभग तमाम इलाकों के हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे बुजुर्गगण, नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चे जिस श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धे नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, मैं उन सबके भाव के साथ अपने भाव को जोड़कर श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपनी तरफ से, अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से, आप सभी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं, वो सभी लोग नेताजी के जो विचार रहे हैं, नेताजी की जो भावनाएं हैं, नेताजी के जीवन के संघर्ष हैं, उन संघर्षों को आने वाली पीढ़ियों को बताकर उसे धरती पर भी उतारने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ ये बात लेकर के आज अगर आप हम आप यहाँ से जाएंगे तो वही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत साथियों ने अपने बहुत से विचार रखे। एक बार मैं जिले के हमारे तमाम नेता मौजूद थे तो नेताजी ने जिले के सभी नेताओं को बुला रखा था। तमाम लोग थे जो आज नहीं है, जिले के बड़े नेता वो लोग भी थे, जो मौजूद हैं वो भी थे। तो मैंने कहा नेताजी पहले लड़ाई इस बात की है कि जिले में आप सबसे पहले से किसके यहाँ आना जाना, किसको जानते, पहले ये साफ कर लिया। तो नेताजी ने कहा कि मैं सबसे पहले 1974 से तुम्हारे घर आना जाना मेरा, सबसे पहले मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूं। हम कहो कैसे? उन्होंने कहा 1974 में मैं भी बीकेडी से लड़ा था, तुम्हारे बड़े पिताजी भी लड़े थे, तब से तुम्हारे परिवार से मेरा संबंध रहा है और तब से मेरा आना जाना तुम्हारे परिवार से रहा। तो मैं समझता हूं 26 साल और इधर के 22 साल, लगभग 50 सालों का संबंध नेताजी से रहा। यह बात सही है कि पहली बार जब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बनकर गया, तो जब मैं प्रचार में जाता था तो तमाम हमारे बुजुर्ग यहां आज भी बैठे हुए हैं, बच्चे तो अब बहुत से बच्चे थे ऐसे खड़े हैं जो उसमें पैदा भी नहीं हुए थे, उनकी माँ यहाँ आई भी नहीं रही होंगी इस इलाके में, लेकिन तमाम उस समय के बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं जो मुझसे कहा करते थे कि बेटा जीता है तो देव लेकिन जाया बोला हमें। यह बात सही कहा प्रिंसिपल साहब ने। मुझे याद है मनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की माता जी का देहांत 2003 में हुआ था, और जब मैं संवेदना व्यक्त करने के लिए 2003 में मैं विधायक हो गया, मैं नेता जी की कोठी पर गया और जब मैंने अपना परिचय बताया कि मैं वहां का विधायक हूं तो शायद मुझे नहीं पूरा पहचान पाए, लेकिन जब मैंने अपने घर का परिचय बताया, परिवार का परिचय बताया, तो उन्होंने बहुत प्रेम से एक बेटे की तरह, परिवार के सदस्य की तरह मुझको अपने पास बैठाया और उस तरह का सम्मान देने का काम किया। राजनीतिक बातें चलने लगी। मैंने कहा जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है इससे आम आदमी परेशान है और आपको कुछ पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा पहल तो मैं करूंगा, अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं पहल करने को तैयार हूं, लेकिन साथ कोई खड़ा नहीं होता। हमने कहा नेताजी हम उस परिवार से हैं कि अगर आधी रात को आप याद करेंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे जहां तक याद है शायद 25 अगस्त 2003 की वो रात थी जब नेताजी ने मुझसे लगभग 1:30 बजे रात में कहा था, 197 विधायकों ने गवर्नर को लिख कर दिया है, 5 विधायक अगर और होंगे तो तुम्हारी सरकार बन जाएगी। और सुबह 7 बजे
आप लोगों ने इतनी ताकत मुझे दी थी और मेरी उम्र मुश्किल से 36-37 साल की थी। सुबह 7 बजे हमने 8 विधायकों का समर्थन माननीय नेताजी को देकर, गवर्नर ने 4 बजे का समय दिया था, हमने 12 बजे ही गवर्नर के यहाँ जा करके महामहिम राज्यपाल से कहा अगर 197 में 8 जोड़ दो और 202 ज्यादा होते हैं, 202 से ज्यादा वो आपको नेताजी की सरकार बनानी चाहिए। और तब से नेताजी से लगातार हमारा संबंध बना रहा। और मैं उस दिन जिस दिन नेताजी का देहांत हुआ, मैंने जो शोक संवेदना में पहली अपनी संवेदना ट्वीट के माध्यम से व्यक्त की थी, मोबाइल पर लोगों ने देखा होगा, उसमें जो फोटो मैंने डाला था वो नेताजी से मुलाकात की मेरी आखिरी फोटो, और वो फोटो नेताजी की मौत से लगभग 3 महीना पहले की फोटो। लगभग 3 महीना पहले अपनी बीमारी से पहले मैं उनसे मिलने गया, और जब मैं उनसे मिला तो मैं उनको प्रणाम किया, उन्होंने पीठ पे हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और ये चीज पूछा कि तुम हार कैसे गए, उनको उनकी आखिर सब जीवन के हमारे जीवन के ये आखिरी सब थे। उन्होंने कहा कि तुम हार कैसे गए, और वही फोटो मैंने उस दिन देखा मरने के बाद उनके देहांत के बाद वही फोटो मैंने डाला था जो आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा। जब हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए सिपाही गए, किसी की व्यक्ति के जीवन की अगर कमाई देखनी है उसके मौत के बाद ही उसकी कमाई दिखाई देती है। जब तक आदमी जीता है तब तक उसकी कमाई नहीं दिखाई देती है। जब दुनिया में नहीं रहता तभी उसकी कमाई दिखाई देती है, और जब सफाई हम लोग गए तो कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोग, मेरा अपना आकलन 5 लाख का, कम से इसमें सो सकता कुछ साथी गए थे, कुछ बच्चे गए थे, मुझे कुछ बच्चे वहां अपने क्षेत्र के मिले भी थे, कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोग नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए 11 अक्टूबर को सैफई थे। मैंने अपने जीवन में किसी रैली में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी जितनी बड़ी भीड़ देश के कोने कोने से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए 11 अक्टूबर को सैफई में। और अभी तक मैं अभी परसों सैफई गया हुआ था, अभी तक देश के कोने कोने के नेता जिस दिन उनकी मौत हुई, जिस दिन दाह संस्कार हुआ था, उस दिन 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 8-10 पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के कई मंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकारों के तमाम मंत्री, देश के तमाम नेता, तमाम उद्योगपति, किसान संगठनों के तमाम, राकेश टिकैत, नरेंद्र टिकैत जैसे बड़े बड़े नेता, तमाम सामाजिक संगठनों के नेता, और देश की चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, केरला हो, पंजाब हो, आसाम हो, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, बिहार हो, कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा था जिस प्रदेश के लोग, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या वहां के माने जाने नेता या किसान संगठनों के नेता या सामाजिक संगठनों के नेता आदरणीय स्वर्गीय नेताजी को
श्रद्धांजलि देने हैं। उस दिन इस बात का एहसास हुआ कि नेताजी इस देश के कितने बड़े नेता थे, जिन लोगों को उनके जिंदा रहते उनके बड़े नेता का होने का एहसास नहीं हुआ होगा। उन लोगों को 11 अक्टूबर को अगर उस सफाई गए होंगे तो इस बात का एहसास हुआ होगा या टीवी देखी होगी या सोशल मीडिया पर देखा होगा, तब एहसास हुआ होगा कि नेताजी अपने दौर के इस देश के सबसे बड़े नेता थे।